यहाँ पर चक्का जाम हो रहा है, ये क्या पूरा मामला है? विगत एक से डेढ़ वर्षों से इस रोड को खोदकर छोड़ दिया गया है और ठेकेदार द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो आम जनता अपनी मांगों को लेकर स्वयं सड़क पर उतरी है। मेरा आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ के विधायक और सांसद से प्रश्न है कि जनता ने आपको जनप्रतिनिधि क्यों चुना है? अगर उसको अपनी समस्याओं के लिए स्वयं लड़ना है तो आप फिर किस लिए हैं? क्या मात्र आप अपने लोक लुभावन नारे दे करके जो जनता से वोट ले लेते हैं और जनता की समस्याओं है तो आपका कोई दायित्व तो नहीं? ये प्रश्न मेरा आप मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक और सांसद तक पहुँचा देने का कष्ट करेंगे। ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे बस स्टैंड से जनपद कार्यालय तक जो सड़क निर्माण चल रहा है उसमें 40 mm की गिट्टी डाल दी गई है और डस्ट डाल दिया गया है, जिससे गाड़ियां चलती है और गिट्टी उछलकर लोगों को, बहुत सारे लोगों को घायल कर चुका है, गंभीर रूप से घायल कर चुका है, जो कि लापरवाही पूर्वक, और जिसमें जिला प्रशासन एकदम मौन पड़ी है। जिला प्रशासन की कोई भी इसमें जिम्मेदारी दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं जिला प्रशासन और ठेकेदार के विरोध में। अभी तो प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, आप लोग को समझा भी रहा है, पर कब तक चलेगा चक्का जाम आपका? ये चक्का जाम जब तक हमको लिखित आश्वासन नहीं मिलता ठेकेदार नहीं जिला प्रशासन के द्वारा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, और जब तक ये निर्माण कार्य नहीं होता, पूर्ण हम लोग को आश्वासन नहीं मिल जाता लिखित में, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ठेकेदार के नाम पर लिखो, प्रति ठेकेदार, ठीक है, प्रति ठेकेदार लिख कर आप 5 दिन में अगर नहीं करते आपको निरस्त। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद जिला प्रशासन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहाँ पास चालू 5 दिन हाँ तो 5 दिन लिख के दो, कल से चालू होगा, 5 दिन से चालू हो जाएगा, 5 दिन करेंगे। जिला प्रशासन ने काम करो, जिला प्रशासन ने काम करो, माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय, माता की जय। माता की जय, जिला प्रशासन, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।